और आइए अब बात करते हैं हरियाणा में चल रहे लोकसभा चुनाव के प्रचार की। हरियाणा के मुख्यमंत्री हो नायब सिंह सैनी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये जोड़ी लगातार लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही है। बात आज हम करेंगे करनाल की। करनाल एक ऐसी सीट है जिसमें विधानसभा में खड़े हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि वो पहले सांसद थे, अब उनको चुनाव लड़ना है तो वो यहाँ पर विधानसभा के विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कानूनन ज़रूरी है। वहीं पर अगर लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। अब ये जो करनाल की हॉट सीट है, ये और हॉट हो जाती है जब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पर प्रचार करते हैं, तो सबकी निगाहें इन दोनों खास सीट पर है। आज क्या रहा और किस तरीके से मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अपने पक्ष में वोट मांगे और क्या रिस्पांस मिला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनावी मौसम चरम पर है, राजनेता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह भी अपनी विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बुधवार को करनाल में उनके कई कार्यक्रम रहे। सबसे पहले वो इंद्री रोड पर स्थित श्री आत्मा मनोहर जैन आराधना मंदिर में पहुंचे, जहां वो चैरिटेबल अस्पताल भी गए और मंदिर में भी माथा टेका। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ भी की। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग वो नरेंद्र मोदी जी को मिले, कमल का फूल यहाँ से खिले, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, लोगों को जो लाभ डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुँचा है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है, चाहे सड़कों की बात ले लीजिए, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, चाहे हेल्थ को लेकर के ले लीजिए, एजुकेशन को लेकर के ले लीजिए, बेटियों के लिए जिस प्रकार से एक मिशन मोड में आकर के मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोला है, इसका बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश की बेटियों को मिल रहा है। आज इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर इसके बाद सेक्टर 4 में मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंचे इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की। यहां पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों ने एक वोट नहीं, आपने दो वोट के लिए कहना है, क्योंकि दो मशीनें लगी होंगी, एक कमल का बटन दबेगा, उसकी ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, दूसरा कमल का बटन दबेगा, उसकी ताकत करनाल के लोगों के पास जाएगी और करनाल की मेरी सरदारी मिल करके उसको चंडीगढ़ लेकर के जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने आढ़तियों से मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह को लड्डुओं से तोला गया। कुमारी शैलजा पहले टिकट डिक्लेयर करके वो आ जाए, फिर उसको पता चलेगा कि 400 पार है या क्या है, उसको फिर पता चलेगा। अभी तो टिकट ही डिक्लेयर नहीं कर पाए और वो घर में बैठ करके इस प्रकार के ख्वाब देख रहे हैं। जब लिस्ट आएगी, मैदान में उतरेंगे, तब पता चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं 10 वर्षों में, हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज लोगों का विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह के साथ साथ प्रचार का जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संभाला हुआ है। करनाल में डॉक्टर मंगल सिंह ऑडिटोरियम में शिक्षकों के साथ संगोष्ठी कार्यक्रम था, जहां पर मनोहर लाल पहुंचे। आचार संहिता का उल्लंघन तब होता है जब किसी को लुभाने के लिए कुछ दे दिया जाए, दिया तब जाता है जब कोई मांग करता है, और मांग के बारे में हमारे बास जी ने कहा कि अभी नहीं करेंगे, बाद में पहुंचाएंगे। तो मांग बाद में होगी तो उस मांग के बदले में कुछ देने का तो विषय ही नहीं है। जब देने का विषय नहीं है तो परस्पर किसी भी वर्ग से बातचीत करना, ये कोई आचार संहिता का उल्लंघन थोड़ी है। हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हम चुनाव आयोग से भी बात कर सकते हैं, हम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं, हम समाज के किसी भी वर्ग से, सामान्य से लेकर के विशेष तक बातचीत करना ही मना नहीं है।
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात की। इस कार्यक्रम में पूर्व बॉक्सर विजेंदर सिंह पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, बॉक्सर सुमित सांगवान समेत सैकड़ों खिलाड़ी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये खिलाड़ी पूरे हरियाणा से आए थे, जिन्होंने सीएम मनोहर लाल के साथ मुलाकात की और उन्हें समर्थन देने की बात कही। मनोहर लाल ने इन खिलाड़ियों से खेल को किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए, किस तरीके से खिलाड़ी और ज्यादा मेडल लेकर आए, इस पर भी चर्चा की। मित्रों, क्योंकि हमारे सुमित अनरवाल जो एक फाउंडेशन भी चलाते हैं अपनी, और उनकी ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस क्षेत्र के जो प्रमुख पहलवान, जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, उन सबको एकत्र किया था और सभी अच्छे विचारों के लोग हैं, खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में ये सब चर्चा हुई। और अंत में क्योंकि एक लोकसभा के चुनाव के नाते से मेरा एक दायित्व भी है, मैंने अपील भी की सबसे कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और वो भारतीय जनता पार्टी के नाते से ज़्यादा से ज़्यादा वो डलवा करके लोगों को और हमको जिताएं, तो अलग अलग ग्रुपों में मैं जा करके सबसे अपील कर रहा हूँ। खैर, बात साफ है, चुनाव में हर कोई जीत के लिए जोर लगा रहा है। आने वाले समय में चुनाव में क्या माहौल बनता है, ये देखने वाली बात होगी। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।